वेलकम बैक टू माय चैनल टेग्राफर। सो गाइस, ये है एप्पल वॉच सीरीज 9 45 mm जीपीएस मॉडल एंड इसको मैं ऑलमोस्ट 45 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर आपके पास कोई आईफोन है एंड आपको यहाँ पर एप्पल वॉच लेने के लिए सोच रहे हो तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इन दिस वीडियो विल टॉक कि व्हाई डू यू नीड एन एप्पल वॉच इन 2024। सो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम लोग बात करेंगे डबल टैप फीचर को लेकर। तो एप्पल इस बार क्या किया है कि सीरीज 9 के साथ आपको डबल टैप का फीचर दिया गया है। ये बेसिकली क्या करता है कि सपोज आप यहाँ पर स्कूटी में हो या फिर बाइक वगैरह हो एंड उस समय अगर आपको कोई कॉल वगैरह करता है, इन दैट केस आप अपने आईफोन को निकाल नहीं सकते या फिर जो एप्पल वॉच है उसको आप हाथ से यूज़ नहीं करना चाहते हो, सो इन दैट केस आपको सिंपली ऐसे डबल टैप करना है एंड उस डबल टैप से क्या होगा, आपका फ़ोन उठा सकते हो एंड सिमिलरली डबल टैप करके उस फ़ोन को जो है काट सकते हो। एंड पर्सनल स्पीकिंग ये फीचर जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एज आई सेड, ये फीचर तब आपको बहुत काम में आता है जब आप यहाँ पर कोई स्कूटी में या फिर बाइक वगैरह चला रहे हो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हेल्थ मैट्रिक्स। तो लुक, एप्पल वॉच लोग इसीलिए लेते हैं ताकि उसका हेल्थ जो है उनको ट्रैक कर सके, उनके हेल्थ के बारे में वो अप टू डेट रह सके। एंड ये सिमिलर काम करता है एप्पल वॉच सीरीज 9 भी। एंड इसमें आपको एक वॉच फेस मिल जाता है जो कि ये लोग कहता है रिंग वॉच फेस। इसमें आपको 3 रिंग मिलता है। जो पहला रिंग है जो रेड कलर से ये लोग डिनोट किया है उसको ये लोग कहते हैं मूव। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज का जो ग्रीन कलर में डिनोट करता है एंड तीसरा है स्टैंड जो कि ब्लू कलर में डिनोट करता है। ये बेसिकली आपका डे टू डे लाइफ का जो हेल्थ का मैट्रिक्स है, जो हेल्थ डेटा है वो ये लोग स्टोर करता है, जैसे कि आप कितने बार यहाँ पर स्टेप्स लिए हो, कितने आपका एक्सरसाइज जो है वो आप किए हो, आपका कैलोरी वगैरह कितना बर्न किए हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं आज है संडे, सो आज इसको मैंने उतना पहना नहीं था एप्पल वॉच को, इसलिए यहाँ पर जो स्टेप्स है वो बहुत ही कम दिखा रहा है। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आपका पिछले वीक का जो समरी है वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डेली एवरेज कितना है, वीकली टोटल कैलोरी आपने कितना बर्न की है, उसके बाद डेली एवरेज का आपका एक्सरसाइज का टाइम कितना है, वीकली कितना है। एंड अगर आप चाहते हो तो उस गोल को जो चेंज भी कर सकते हो बाय चेंज गोल टैप करके, जैसे कि यहाँ पर आप किलो कैलोरी जो है उसको सेट कर सकते हो, देन आप यहाँ पर कितने समय तक एक्सरसाइज करना चाहते हो वो भी आप सेट कर सकते हो, नेक्स्ट यहाँ पर कितने घंटे तक आप स्टैंड करना चाहते हो, तो ये सब जो है आप सेट कर सकते हो। बेसिकली ऑल इन ऑल आपका हेल्थ का जो पूरा यहाँ पर मैट्रिक्स है वो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप यहाँ पर अपना स्लीप को भी ट्रैक कर सकते हो। मैंने ऐसा हुआ है कि 2-3 बार इसको मैंने पहन के सोया भी है एंड मैंने इतना पर्सनली फील किया है कि वो जो स्लीप ट्रैकिंग है वो बहुत हद तक यहाँ पर ट्रू है। आप स्लीप ट्रैकिंग का जो भी डेटाबेस है वो आप अपने वॉच के एप्लीकेशन से उसको आप देख सकते हो, लेकिन मोटे मोटे तौर पर स्लीप जो है बहुत ही एक्यूरेट ट्रैक करता है। एंड एडिशनली आपको हार्ट रेट सेंसर, SPO2, उसके बाद ECG के सेंसर भी मिल जाते हैं जो कि आप अपने मन मुताबिक उसको मैनुअली भी टेस्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूअस आप हार्ट रेट यहाँ पर आपका मेजर हो तो वो भी आप कर सकते हो। बेसिकली व्हाट आई एम टू से कि आपका हेल्थ अगर आप चाहते हो कि पूरा ट्रैक करे कि प्रॉपर यहाँ पर हेल्थ मैट्रिक्स में देखूँ वीकली या फिर डेली, तो सब कुछ आप एप्पल वॉच से कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पर जिम वगैरह जाते हो या फिर बहुत हेल्थ को लेकर कंसर्न हो, सो इन दैट केस आई थिंक एप्पल वॉच आपके लिए बहुत ही ज़रूरी एक स्मार्ट वॉच है, जिसमें आप यहाँ पर फ़ोन के साथ साथ टेक्स्ट करने के साथ साथ हेल्थ मैट्रिक्स भी बहुत अच्छे से आप देख पाओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम हेल्थ रिलेटेड फीचर आपको कुछ और भी एडिशनल फीचर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड माय फोन, जैसे कि आपको सिंपली टॉगल बटन आपको टैप करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली अगर आप टैप करोगे तो फाइंड आपका आईफोन कहाँ पर है घर में, फिर कितने दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे, वो आपको दिखा देगा। तो ये बहुत ही ईजी फीचर है आपको आईफोन को फाइंड करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हेल्थ रिलेटेड फीचर या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स, मुझे और चीज़ एप्पल वॉच का जो अच्छा लगता है दैट इज़ दी वाटर प्रूफ या फिर नहीं वाटर रेजिस्टेंस। आपको बताएं कि एप्पल वॉच 7, 6, 8, 9 ये सारे जो एप्पल वॉच है इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर किसी रिवर वगैरह में जंप करते हो या फिर कोई भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहते हो एंड आपको उस समय कोई यहाँ पर लाइफ ट्रैकिंग या फिर हेल्थ रिलेटेड ट्रैक का कोई डिवाइस वगैरह चाहिए, सो इन दैट केस ऑल्सो आप यहाँ पर एप्पल वॉच का कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एप्पल वॉच में वाटर रेजिस्टेंस होने के कारण आपका जो ये वॉच का जो जितने भी हेल्थ का मैट्रिक्स है, जितने भी हेल्थ के सेंसर है वो अच्छे से काम करता है। एंड अगेन आई वुड रियली अप्रिशिएट द एप्पल वॉच फॉर डूइंग दिस। नेक्स्ट आई वांट टॉक अबाउट द टेक्स्ट एंड कॉलिंग। अगर आपके पास कोई भी एप्पल वॉच है, फॉर एग्जांपल एप्पल वॉच SE, SE2, एप्पल वॉच सीरीज 7, 8, 9 GPS मॉडल या फिर यहाँ पर सेलुलर टावर मॉडल, कोई भी आपके पास एप्पल वॉच है तो उनसे जो है आप डायरेक्टली किसी भी नंबर को फ़ोन वगैरह कर सकते हो एंड उसमें जो है आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो रिसेंट, यानी बेसिकली आप अपने जो आईफोन में फ़ोन वगैरह करते हो वो सिंपली आप यहाँ पर एप्पल वॉच से भी कर सकते हो।
एंड स्पीकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कॉल्स, तो क्वालिटी बहुत ही हद तक मुझे सही लगा है। अगर आप किसी लाउड एनवायरनमेंट में भी रहते हो या फिर किसी बाजार वगैरह में इसको लेके गए हो एंड दैट टाइम अगर किसी पर फ़ोन वगैरह आता है, सो फ़ोन जो है बहुत ही लाउड है, मतलब आप इससे सुन सकते हो एंड आप जो भी कहते हो दूसरे व्यक्ति को वो बहुत ही क्लियर कट सुना देता है। सो इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग ऑल्सो यू कैन कंसिडर दी एपल वॉच। एंड फ़ोन के साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह भी करते हो मैसेजेस में तो वो भी आप कर सकते हो। एंड एपल वॉच सीरीज 9 के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो फुल फ्लेज्ड कीबोर्ड दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वाट्री कीबोर्ड है एंड मैं अगर बात करूँ कि कितना स्मूथनेस है तो बहुत ही सही है। एंड अगर आपको यहाँ पर कीबोर्ड यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पर जो स्पीकर है इसको भी टैप करके जो भी आप यहाँ पर कहोगे वो यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म पे आ जाएगा। एंड सिंपली जब भी आप उसको हो जाए तो आप सेंड भी बोल सकते हो या फिर आप डन करके उसको पर्सनली सेंड कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से फ़ोन का एंड यहाँ पर मैसेज का आप यूज़ ले सकते हो विद द एपल वॉच। एंड लास्टली आई वांट स्पीक अबाउट द GPS या फिर मैप सर्विस इन योर एपल वॉच। तो अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइकिंग वगैरह करते हो या फिर अगर आपको डायरेक्शन वगैरह चेक करना है अपना मैप में, तो वो अभी आप यहाँ पर एपल वॉच में भी कर सकते हो। इससे पहले आपको लोकेशन जो है अपने सेटिंग्स में ऑन कर लेना है। स्पीकिंग अबाउट द एक्यूरेसी, तो गाइस इसका जो मैप का जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही हद तक सही है। जो मैप आपको आईफोन में मिलता है वो सेम मैप आपको एपल वॉच में भी मिलेगा। एंड एज आई सेड इसका जो एक्यूरेसी है बहुत हद तक एक्यूरेट है। मैंने इसको बहुत बार यहाँ पर यूज़ में लाया है। डू नॉट कि इसको यूज़ करने के लिए आपको वाईफाई की ज़रूरत होगा अगर आपके पास GPS मॉडल है, सो वाईफाई में कनेक्ट कर लेना बिफोर यूजिंग द मैप। अगर आपके पास कोई सेलुलर मॉडल है तो इन दैट केस आप अपना इंटरनेट को यहाँ पर ऑन कर सकते हो, देन आप अपने मैप को यूज़ कर सकते हो। एनी फीचर आपको मेनली तब काम आता है जब आप अपना जो आईफोन है उसको आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन देन ऑल्सो आपको यहाँ पर मैप वगैरह देखना है। सो इन दैट केस आपका जो एपल वॉच की जो मैप का जो सर्विस है, GPS का जो सर्विस है, ये बहुत हद तक काम आएगा। सो गाइस दीज आर सम रीजन फॉर विच आई थिंक यू नीड एन एपल वॉच इफ यू आर हैविंग एन आईफोन इन 2024। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर है जो कि भरे भरे हुए अपने एपल वॉच में, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अगर आपको उसके रिलेटेड वीडियो वगैरह देखना है तो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम आपका एपल वॉच में टाइम टू टाइम यहाँ पर वॉच ओएस का अपडेट आता रहता है, जैसे कि अभी यहाँ पर वॉच ओएस 10.4 का अपडेट आया है, जिससे क्या है कि नए नए फीचर्स एक्सप्लोर होता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो सेंसर है वो दिन प्रतिदिन आपका और ज़्यादा एक्यूरेट होता रहता है। एट द सेम टाइम पर बैटरी कंप्रूव भी देखने को मिलता है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से भी आपका जो स्मार्ट वॉच है एपल वॉच जो है वो बहुत हद तक एक्यूरेट रहता है। सो दीज आर सम रीजन या फिर दीज आर सम एग्जाम्पल फॉर विच यू नीड एन एपल वॉच इन 2024। एंड आई डू होप कि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन था कि एपल वॉच लेना चाहिए या नहीं, इसको मैं सॉल्व कर पाया हूँ। सो फिलहाल के लिए इतना ही था। अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे मैं आपके लिए आईफोन रिलेटेड एट द सेम टाइम एपल वॉच रिलेटेड जो है वीडियो लाता रहता हूँ। सो चलिए मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।